हमारे एनवायरमेंट में दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटेक और एबायोटेक, जैविक घटक और जैविक और अजैविक घटक में से अगर कोई भी डिटोरिएट होता है, मतलब अवांछित ऐसा परिवर्तन होता है कि उसकी गुणवत्ता खराब होती है, जैसे पानी खराब, एयर खराब, जमीन बंजर, तो उस चीज को क्या बोलेंगे? पॉल्यूशन। ऐसा कोई चेंज जो अनवांटेड हो, जो अवांछित परिवर्तन हो और क्वालिटी को खराब करे, ऐसे चेंज को क्या बोलेंगे? पॉल्यूशन। ठीक है, जैसे पहले यह हरा भरा जंगल था, अब ऐसा हो गया क्या? कोई भी चेंज, कोई भी ऐसा चेंज जो क्वालिटी को नेगेटिवली अफेक्ट करे, वो करे बस, कोई भी परिवर्तन। जैसे ये जंगल है, इसको तुम क्या बोलोगे? ये डेवलप्ड है अभी, और ये मान लो लकड़ी आग लग गई या कुछ भी कर दिया तो पॉल्यूशन में आ जाएगा। जैसे देखो पानी कितना साफ है, वो गंदा पानी का नहीं है, चलो गंदा पानी कोई ना कोई फोटो होगा। अब देखो पॉल्यूटेंट जो पॉल्यूशन फैलाते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक कहलाता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब है कि जो पॉल्यूटेंट प्रदूषक जिस सोर्स से निकलता है उससे निकलते ही वो पॉल्यूटेंट है। दूसरा होता है सेकेंडरी, पहले ऐसा होगा, पेन है ऐसे समझो, जैसे मान लो ये मान लो कोई चिमनी है और यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड निकली, और कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा हो जाएगा? प्राइमरी। यहां सुन लो, यहां सुन लो, ये मान लो कोई चिमनी है, इससे NO2 या N2O निकला और ये ओजोन से रिएक्ट किया और बन गया परोक्सी एसिटल नाइट्रेट, तो पेन डायरेक्ट कहीं नहीं निकलता, परोक्सी एसिटल नाइट्रेट डायरेक्ट कहीं से नहीं निकल सकता, ये पहले दो किसी दो चीजों से कंबाइंड होके बना होगा। तो ऐसा पॉल्यूटेंट जो सीधे सोर्स से नहीं निकलता और दूसरे पॉल्यूटेंट या दूसरे गैस के कॉम्बिनेशन से बनता है उसे कहते हैं सेकेंडरी, और जो सीधे निकलता है जैसे NO2 सीधे निकलता है तो वो प्राइमरी भी चलाएगा। SO2 सीधे निकलता है प्राइमरी से, मीथेन, गाय जुगाली कर रही है, दलदल से सीधे क्या निकली? मीथेन। तो जो सीधे निकल रही है वो प्राइमरी में आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरी में आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्राइमरी में आएगा, तो जो सीधे सोर्स से निकल रहा है वो सब प्राइमरी है, और जो पहले कहीं जिसका कोई सोर्स ही नहीं है, परोक्सी एसिटल नाइट्रेट का कोई सोर्स नहीं है, ओजोन का कोई डायरेक्ट सोर्स नहीं होता, ऑक्सीजन के साथ जब ओ मिल जाता है तो क्या बनता है? ओजोन। तो ओजोन डायरेक्ट कहीं से नहीं निकलता, ये ऑक्सीजन के साथ ओ के मिलने से बनता है। तो ऐसे प्रदूषकों को बोलेंगे सेकेंडरी या द्वितीया। तो प्राइमरी और सेकेंडरी समझ में आ गया, जो सोर्स से सीधे निकल रहा है वो प्राइमरी, और जो दूसरों की रिएक्शन से बन रहा है वो सेकेंडरी। तो प्राइमरी सेकेंडरी समझ में आया, यहां तो कोई दिक्कत है? पेन, NO2 निकला और वो ओजोन से रिएक्ट किया बन गया पेन, तो पेन डायरेक्ट तो निकला नहीं, ये तो किसी और की रिएक्शन से बना है, इसलिए सेकेंडरी है। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी समझ में आ गए, जैसे सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब प्राइमरी है क्योंकि सीधे निकल रहे। सेकेंडरी जैसे NO2 वगैरह, ये ओजोन से मिला क्या बन गया? पेन। तो ये किस में आ जाएगा? सेकेंडरी, क्यों? नाइट्रोजन वगैरह निकला, ओजोन वातावरण में थी, उससे रिएक्शन किया, पेन बन गया। तो पेन एक पॉल्यूटेंट है पर ये सेकेंडरी टाइप का है, ये सीधे बन नहीं रहा। चलो अब दूसरा टाइप देखते हैं। तो पहला टाइप देख लिया, प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी, जो सीधे सोर्स से निकलता है वो प्राइमरी, और जो दूसरों की रिएक्शन से बनता है वो है सेकेंडरी। अब और डिविजन करते हैं, अब है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, मात्रात्मक और गुणात्मक, इनका मतलब देख लेते हैं। क्वालिटेटिव, अब इसको देखते हैं, क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, इसमें क्या लिखा? क्वांटिटी। तो जो पॉल्यूटेंट अपनी क्वांटिटी के वजह से पॉल्यूटेंट बना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जब भी तुम सांस छोड़ते हो तो क्या निकलती है? वो पॉल्यूटेंट नहीं है। हम क्या बोलते हैं? वातावरण में 78% ऑक्सीजन, वो नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% आर्गन और 0.03% CO2। तो दुनिया में जब से एटमॉस्फेयर है 0.03 CO2 है, तो वो पॉल्यूटेंट नहीं थी, पर तुमने इतना फॉसिल फ्यूल जलाया, इतना कोयला, पेट्रोल, डीजल की CO2 बहुत ज्यादा बढ़ गई और उसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब तुम्हारे फेफड़ों को अफेक्ट करने लगी है।
तो ये क्वांटिटेटिव है कि जब तक क्वांटिटी में नहीं थी तब तक पॉल्यूटेंट नहीं था, तो ऐसा पॉल्यूटेंट जब तक वो नॉर्मल है पॉल्यूटेंट नहीं है, और जैसी उसकी क्वांटिटी एक लिमिट से ज्यादा बढ़ गई तो वो पॉल्यूटेंट बन गया। तो पॉल्यूटेंट अगर क्वांटिटी के आधार पर बनता है तो उसे कहते हैं क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक, उसकी मात्रा इतनी बढ़ गई कि अब वो प्रदूषक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटी 0.03 रहे कोई दिक्कत नहीं, इससे ज्यादा बढ़ जाए तो वो पॉल्यूटेंट है। तो क्वांटिटेटिव समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वालिटेटिव, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड चाहे थोड़ी सी निकले चाहे ज्यादा निकले वो पॉल्यूटेंट है। समझ में आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड अगर 0.03 है कोई दिक्कत नहीं, इससे ज्यादा बढ़ गई तो पॉल्यूटेंट है। जैसे डीडीटी, डीडीटी सबसे अच्छा एग्जांपल है, डीडीटी की अमाउंट कितनी भी आपके शरीर में चली जाए वो पॉल्यूटेंट है। चाहे आप थोड़ा सा डीडीटी पी लो तो भी पॉल्यूटेंट है, और ज्यादा पी लो तो भी। जैसे आप CO2 है, CO2 पॉल्यूटेंट क्यों नहीं है? जब तुम एयर लेते हो तो CO2 तो जाएगी, जब तुम सांस लेते हो तो अलग से ऑक्सीजन ऑक्सीजन थोड़ी जाती है। जब तुम सांस लेते हो तो 78% नाइट्रोजन आती है, 21% ऑक्सीजन आती है, और 0.03% CO2 आती है। तो CO2 तो आ ही रही है और तुम्हें कभी नुकसान भी नहीं पहुंचाती, पर वो CO2 ज्यादा आ जाए, इतनी ज्यादा CO2 आ गई धुएं वगैरह में और वो आ गई पर फेफड़े खराब, अस्थमा, तो वो पॉल्यूटेंट है। तो दो तरह के पॉल्यूटेंट कर सकते हो, क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक और क्वालिटेटिव मतलब जैसे डीडीटी, डीडीटी चाहे थोड़ी सी हो चाहे डीडीटी ज्यादा हो वो क्वालिटेटिव है। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव समझ में आ गया। किसमें? हाँ बिल्कुल, कार्बन मोनो मतलब कोई भी अगर वो तुम्हारे किसमें, हाँ अगर उसकी थोड़ी भी अमाउंट तुम्हारे लिए पॉल्यूटेंट है तो वो क्वालिटेटिव है, उसका क्वांटिटी से कोई लेना देना है। मतलब मीथेन मतलब अगर पॉल्यूटेंट, तो अगर तुमने कहा CO2 तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा अमाउंट कितना है, अगर अमाउंट उसका नॉर्मल है तो वो प्रदूषक नहीं है, और अमाउंट ज़्यादा है पॉल्यूटेंट है। तो जब अमाउंट की बेस पर क्वांटिटी के बेस पर बोलोगे तो क्वांटिटेटिव है। समझ में आ गया। अब क्वालिटेटिव समझ में आ गया। अब है पॉल्यूटेंट दो टाइप्स हो सकता है, एक होता है जैसे कागज वगैरह कचरा है लेकिन वो कुछ सालों में सड़ जाता है, लकड़ी कुछ सालों में सड़ जाती है, पर प्लास्टिक है। ऐसा कहा जाता है दुनिया में जब पहली प्लास्टिक बनी थी वो आज तक धरती पे, जो दुनिया की पहली प्लास्टिक रही होगी वो आज तक खत्म नहीं हो पाएगी। प्लास्टिक हजारों साल में खत्म होता है, प्लास्टिक बने होंगे 100-200 साल, 300 साल 500 साल, इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। अकबर के टाइम पर मुझे लगता है प्लास्टिक पॉलीथीन रहती होगी, मुझे लगता होगा बाजार हजार जाते होंगे बोले 1 किलो भर देना। तो अकबर कितने साल पुराना, 1442 में तो पैदा ही हुआ था, 1442 हाँ 42 56 में राजा बन गया था, तो आज से अकबर 700-800 साल पुराना ही था, उस समय पॉलीथीन नहीं होती थी। तो दुनिया में पॉलीथीन बनी होगी 200-300 साल पहले, और पॉलीथीन ख़त्म होने में हजारों साल। तो दुनिया की पहली प्लास्टिक जो बनी होगी वो आज तक है, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब वो उसका जैव अपघटन आसानी से नहीं होता। जैसे ये सब्जी के छिलके विलके जो तुम फेंकते हो ये सब बायोडिग्रेडेबल है ना, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे प्लास्टिक और पॉलीथीन, ये सालों साल हजारों साल तक यही रहेगा, ठीक है। तो ऐसा पॉल्यूटेंट जो तुरंत सड़ जाता है वो जैव अपघटनीय है, बायोडिग्रेडेबल है, और जो हजारों साल तक खराब नहीं होता वो, तो पॉलीथीन की सबसे अच्छी खासियत ये थी कि वो खराब नहीं होता। प्लास्टिक की बोतल की यूज करते थे वो सालों साल तक खराब, इसलिए हमने प्लास्टिक की बोतल यूज करना शुरू किया, जो उसकी क्वालिटी है वही आज उसकी सबसे बड़ी खराबी। साइंटिस्ट ने बनाई कि ऐसी चीज बनाए जो हजारों साल तक खराब ना हो, जंग वंग का कोई सिस्टम ना, बोले लोहे के बर्तन रखते थे जंग लग जाती थी, अपन ऐसा बर्तन बनाएंगे जिसमें कुछ होगा ही नहीं, हम ऐसी चीज बनाएंगे जो कभी खराब ना हो, उन्हें धोखे से बना दी प्लास्टिक, वो आज तक खराब नहीं होती, तो ये नुकसान है। तो पॉल्यूटेंट प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, पॉल्यूटेंट क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव भी हो सकता है, पॉल्यूटेंट बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये सब समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत है? चलो अब देखते हैं पॉल्यूटेंट के सोर्स। दो तरह के सोर्स होते हैं, एक को कहते हैं पॉइंट सोर्स और एक कहते हैं नॉन पॉइंट सोर्स। जैसे ये है, ये पानी इस जिस नदी में जा रहा होगा उसको गंदा कर देगा, मतलब अकेला एक पॉइंट जब पॉल्यूशन कर सकता है तो सोर्स को कहते हैं पॉइंट सोर्स, अकेला एक पॉइंट सोर्स को कर सकता है। समझ में आ गया। जैसे ये चिमनी, ये पॉइंट सोर्स है, अकेला एक पॉइंट यहां की एयर खराब कर सकता है,
तो जब अकेला एक सोर्स पूरे एनवायरनमेंट को खराब करने के लिए काफी है, उसे बोलते हैं पॉइंट सोर्स, अकेला एक पॉइंट काफी है। अब नॉन पॉइंट, जितने भी लड़के टपरे पे सिगरेट पी रहे हैं, अकेला एक लड़के का धुआं पूरे एनवायरनमेंट को खराब नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होता एक लड़के ने हजीरे में सिगरेट जलाई और पूरे ग्वालियर के लोगों को खा सकता, इसका मतलब वो अकेला पॉइंट नहीं है, नॉन पॉइंट है। तो दुनिया में करोड़ों लोग सिगरेट पी रहे होंगे, करोड़ों लोग चिमनी बने घूम रहे हैं, ऐसी स्कूटर और बाइक स्कूटी, अकेला एक स्कूटर पॉइंट सोर्स नहीं बन सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि उसने आज किक मारी डीडी नगर पे या बाड़े पे और फूलबाग तक पूरा धुई धुआं फैल गया, इसका मतलब है बाइक स्कूटर स्कूटी पॉइंट सोर्स नहीं है, क्यों? वो एनवायरनमेंट को खराब अकेले नहीं कर सकते। वो कैसा सोर्स है? नॉन पॉइंट सोर्स। सोर्स तो है वो भी, पर नॉन पॉइंट है। समझ में आ गया? जैसे खेत, एक खेत में जैसे अपन खेत में क्या डालते हैं, यूरिया, उसके बाद उसकी सिंचाई करते हैं, तो पानी के साथ बह के यूरिया अगल बगल के तालाब चले जाते हैं, पर एक खेत का यूरिया उस तालाब को गंदा नहीं कर सकता। पूरे जितने खेत हैं उन सब का यूरिया जब तालाब में आएगा वो तालाब खराब हो जाएगा। तो खेत किस में आ जाएंगे? नॉन पॉइंट। तो नॉन पॉइंट सोर्स और पॉइंट सोर्स समझ में आ गए? ये क्या है? नॉन पॉइंट में तो हमने पॉलीटेंट के टाइप पढ़ लिए, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी में किसी को दिक्कत है? क्या हुआ तनुष्का, तुम नाराज हो? तनुष कैसे बैठी? प्राइमरी सेकेंडरी में कोई दिक्कत? क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में कोई दिक्कत? बायोडिग्रेबल नॉन बायोडिग्रेबल में कोई दिक्कत? पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स में कोई दिक्कत? या तो कोई समस्या नहीं, नॉन पॉइंट। देखो, अगर एक अकेला पॉइंट उस एनवायरनमेंट को खराब करने के लिए काफी है तो सोर्स को क्या बोलोगे? पॉइंट सोर्स या बिंदु स्रोत। और जब कोई पॉइंट बहुत छोटा है, जैसे कि स्कूटी स्कूटर कार, ये किस में आ जाएंगे? नॉन पॉइंट में। चलो आप एक एक करके पॉलीटेंट को देख लेते हैं, हम उन पॉलीटेंट को देख लेते हैं जो एयर पॉल्यूशन, आज एयर पॉल्यूशन के पॉलीटेंट देख लेते हैं। क्लास मेरी 10 बजे 10:15 तक है। चलो यह देखो, अब एयर पॉल्यूटेंट की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? तुम्हारे शरीर में जाता है और इससे जुड़ जाता है। किससे? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है तो उसे बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और अगर CO जुड़ता है तो उसे बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और अगर नाइट्रोजन के ऑक्साइड जुड़ते हैं तो उसे कहते हैं मेथेमोग्लोबिन। इतने नाम याद करने हैं। तो जब आप सांस लेते हो तो ऑक्सीजन आ जाती है, और ऑक्सीजन किससे जुड़ जाती है और क्या बना लेती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये मान लो ऑक्सीजन है, ये हीमोग्लोबिन, ऐसे अटैच। अब ये पूरे बॉडी में साथ में ही घूमेंगे, पर ये लिवर के पास गया, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन उसको दे दी, पर दूसरे ऑक्सीग्लोबिन ने किडनी। तो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन ले लेके कौन घूमता है? हीमोग्लोबिन। और इस पूरे ज्वाइंट को क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो क्या हुआ, ये हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन खून में रहता है, हीमोग्लोबिन आपके ब्लड में है आरबीसी के अंदर, आपके ब्लड में जो आरबीसी उसके अंदर क्या भरा? हीमोग्लोबिन। आपने जो सांस ली वो पूरी फेफड़ों में भर गई, तो ये फेफड़ों में भरी ऑक्सीजन और ये ब्लड गुजर रहा था और ब्लड में था हीमोग्लोबिन, अपने आप ऑक्सीजन डिफ्यूज होके आ गई। विसरण नाम की एक प्रक्रिया होती है, अधिक सांद्रता से कम समय, तो फेफड़ों में कितनी ऑक्सीजन है? तुम जितनी भी एयर लेते हो सब कहाँ भर जाती है? फेफड़ों में। तो यहाँ हायर कॉन्सेंट्रेशन में ऑक्सीजन, और ये अकेला गुमनाम से हीमोग्लोबिन जा रहा था, इसके पास है ऑक्सीजन है नहीं, तो मतलब यहाँ लो कॉन्सेंट्रेशन, तो अपने आप हाई प्रेशर से इससे अटैच हो गई और ये बन गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एक खुश बोले वाह, है ना। अब ये पूरे बॉडी में घूमने लगा, ये लिवर के पास पहुंचा और लिवर को इसने दे दिया, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है, यहाँ हायर कॉन्सेंट्रेशन है, लिवर के पास ऑक्सीजन, ये मान लो लिवर है, तो अब हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपने आप ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी? अगर अपने आप चलता है, इसमें एनर्जी खर्च नहीं होती, पर ये किडनी के पास पहुंचेगा, किडनी के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो अपने आप ऑक्सीजन अलग होकर किसके पास पहुंच गया? तो पूरा जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन फेफड़ों से चिपका लेगा और पूरे शरीर में बांटेगा। तो फेफड़ों से हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक ऑक्सीजन आ गई, और पूरे शरीर में जहाँ जहाँ ऑक्सीजन नहीं, अपने आप इससे ऑक्सीजन डिटैच हो जाएगी। तो फेफड़ों में अटैच हो गई,
और सब जगह डिटैच हो गई। सिस्टम समझ में आ गया? जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन लिवर के पास में था और उसको ऑक्सीजन दे रहा था, तब लिवर के पास CO2 बहुत थी, क्यों? लिवर इस ऑक्सीजन को यूज कर रहा था रेस्पिरेशन में, और इस ऑक्सीजन को वो बदल रहा था CO2 में। इस ऑक्सीजन से तुमने ग्लूकोज तोड़ा और ग्लूकोज टूटने के बाद CO2 बनती है, तो ये क्या बन गई? CO2। तो लिवर के पास CO2 भरी है हायर कॉन्सेंट्रेशन में और इस हीमोग्लोबिन के पास नहीं है, तो अपने आप इससे जुड़ जाएगी। तो जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके आएगा और ऑक्सीजन देगा तो पक्का क्या चिपका के ले जाएगा? CO2। और CO2 के चिपकते ही वो क्या बन गया? कार अमीनो। तो देखो ये है हीमोग्लोबिन, फेफड़ों में पहुंचते ही बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और बॉडी में पहुंच के ऑक्सीजन चली गई और CO2 आ गई और बन गया कार्ब अमीनो, और कार्ब अमीनो फिर फेफड़ों पे आएगा और CO2 चली गई फेफड़ों में और ऑक्सीजन चिपक गई। यही चल रहा है। तो फेफड़ों से आई ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बॉडी में ऑक्सीजन निकल गई और बॉडी से क्या जुड़ गई? बन गया कार्ब अमीनो, और कार्ब अमीनो फिर फेफड़ों के बगल से गुजरा। जब ये कार्ब अमीनो फेफड़ों के बगल से गुजर रहा था तो अपने आप CO2 फेफड़ों में चली गई अपने आप, और अपने आप फेफड़ों से ऑक्सीजन इसमें जुड़ गई। तो ये अपने आप चल रहा है, समझ में आ गया? इस प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत है जब तुमने ऐसी एयर अंदर ली जिसमें क्या ज्यादा थी? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड कहां से निकलता है? जब भी कोई भी जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल, कोयला, पेट्रोल, डीजल पूरी तरह से ऑक्सीडाइज होता है तो CO2 बनती है, और जब इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है तो CO बनती है। तो जितना पेट्रोल डीजल के वाहन होंगे वहां सब जगह CO निकल रही हो, CO2 भी निकल रही होगी और CO। जितने भी बिजली घर हैं सब कोयले से बिजली बना रहे हैं और कोयले से CO निकल रही होगी, समझ में आ गया? जितने घर में सर्दियों में अलाव, चिमनी वगैरह ये हीटर जला के सोते हैं उन सब में CO निकल रही होगी। लोग इसलिए कहते हैं रात को हीटर जला के नहीं सोना चाहिए कि उनसे CO बराबर आती रहती है। अब हुआ क्या कि ये जो CO तुमने सांस में, CO भर गई कमरे में, तुम रात को सिगड़ी जला के सो गए, बोले ठंड बहुत है, ठंड बहुत है ना, एक्सरसाइज वेक्सरसाइज करनी नहीं है, वही कंबल में डले रहना है, 20 साल में 80 साल वाली फीलिंग लेनी है, दादाजी टाइप की फीलिंग नहीं लेते कई लोग, कई लोगों के यहाँ जाओ तो भालू टाइप के बने रहते, कंबल अम्बल और सब ओढ़े हुए और ग्लव्स, सॉक्स, नीचे सिगड़ी जल रही, हाथ में चाय या कुछ गर्म है, बोले ठंड बहुत है। ऐसे देखा होगा ना, ओ रजाई की सबसे अच्छी खासियत है पढ़ते पढ़ते 5 मिनट में नींद आ जाती है, आती कि नहीं? पहले हम लोग किताब लेते हैं फिर लेट के फिर किताब रख देते। हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं कि अभी ठंड बहुत है और अभी नींद पूरी कर लेते 5 बजे, पहले तो 5 मिनट का सही रहता कि अभी बजे हैं 10, खाना खाने के बाद दिमाग कम चलता, सर ने पढ़ाया था तो अभी दिमाग चलेगा नहीं, अभी अभी खाना खाया है, 15 मिनट बाद पढ़ेंगे, तो मोबाइल वोबाइल चला लिया फिर किताब लगाया, 15 मिनट का 1 घंटा हो गया, 11 बज गए, तो बोले अब रात हो गई है, टेम्परेचर लो हो रहा है, अपन अलार्म लगाएंगे 5 बजे का, और अलार्म लगाया वो हर 5 मिनट बाद स्नूज करता है, वो बंद नहीं हो रहा, फिर तुम क्या करते हो? फाइनली बंद कर देते हो, फिर तुम 9 बजे उठते हो, ये सबके साथ होता है। अब ऐसे बंद कमरे में जहाँ तुमने खिड़की विड़की सब बंद और दरवाजे में भी नीचे न्यूज़पेपर ठूसती है कहीं से ठंडी हवा ना हो, और जला दिया रूम हीटर, अब पूरे कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड भर गई, अब तुम्हारे फेफड़ों में कार्बन मोनोऑक्साइड आ गई, अब क्या होगा? ऑक्सीजन से पहले ये जुड़ गई, आना चाहिए था फेफड़ों से ऑक्सीजन, पर फेफड़ों से क्या आ गई? कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये बन गया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और ये ऑक्सीजन की तुलना में 250 से 300 गुना ज्यादा मजबूत बॉन्ड बनाती है। तो क्या हुआ? आपके हीमोग्लोबिन में अब अटैच हो गई कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये जॉइंट क्या कहलाएगा? आप कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब फेफड़ों से ऑक्सीजन उतर के तो आएगी पर इससे नहीं जुड़ेगी, जगह खाली नहीं है, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, ये 250 गुना बॉन्ड मजबूत है किससे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तब ऑक्सीजन कह रहा ले चलो भैया मैं लिवर तक, बोले नहीं, बॉन्ड बन गया। अब होगा क्या? आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन तो होगी, क्या कह रहे हैं? अच्छा तो नहीं है तो पोल्यूटेंट, एक वो डायलॉग है ना, मुझे बर्बाद कर दो एक हाँ उसमें किसी ने फनी वीडियो बनाया था, इसमें लड़की कहती है कि मेरे करीब मत आओ मैं बर्बाद कर दूंगी, लड़का कहता मुझे बर्बाद करो, अगले सीन में लड़का बर्तन में कपड़े धो रहा है, बर्तन और कपड़े धो रहा है, बोले और हो जा बर्बाद।
शादी हो गई, यही करना है। वो कहते नहीं, मैं कपड़े नहीं धो पाता था, मैंने शादी कर ली, अब मैं धो के कपड़े धोता हूँ। शादी करने के बाद आदमी वो सब काम करने लगता है जो मम्मी पापा को मना करता है, पापा हम ये नहीं कर पाएंगे मम्मी। और शादी के बाद वो हर एक काम, जो आदमी किचन में नहीं घुसता शादी के बाद वो ही किचन में दिखेगा। हाँ चलो अब सुनो, सुन लो, कार्बन मोनोऑक्साइड ये चिपक गई, अब बन गया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो 250 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब इसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं जाएगी। और ध्यान रखना 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किससे होता है, मतलब 97% ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी आपके शरीर में। आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बंद, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बंद मतलब एनर्जी आना बंद, धीरे धीरे आदमी एनर्जी खत्म और आदमी बेहोश होने लगेगा और बेहोशी की स्थिति में ही मर जाता है। इसे कहते हैं मीठी नींद, कि दर्द बिल्कुल नहीं होता। तो कई लोग सीढ़ी जला के सोते हैं और सुबह उनकी लाश मिलती है, ऐसे मैंने 2-3 केस देखे। मैंने कई बार देखा कि उनके बच्चे छोटे हैं, सीढ़ी जलाई और गेट बंद करके माँ बाप चले गए। हम अब हाँ गैस की जगह कई हमने कई कॉलोनी में सुना कि उनके बच्चे की डेथ हो गई क्योंकि वो रात को सिगड़ी जला के सो गए। बंगाल का एक केस मैंने, हाँ कार में बंद होकर मर जाते हैं। कई बार सुना होगा कि कई लोग मॉल में शॉपिंग करने गए, धूप में कार खड़ी करके चले। सबसे तुम सोती हो मेंस तुम दे नहीं पाओगी ठंडी में। चलो तो कार्बन मोनोऑक्साइड समझ में आ गया क्यों खतरनाक है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन से बॉन्ड बना देता है और कितने गुना मजबूत बॉन्ड है। अगर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बॉन्ड बन गया तो ऑक्सीमो कहते हैं ना, बुरी लत अगर लग गई तो अच्छी लत, पर ये बुरी लत ज्यादा स्ट्रांग होती है। जैसे तुम्हें पढ़ाई की लत उतनी अच्छी थोड़ी होगी, पढ़ाई तुम्हारी मजबूरी होगी, हम समझ रहे है ना, घर वाले लानत देते होंगे, लानत डांटते तो होंगे नहीं, अब लानत देते होंगे, समाज का दबाव है ना। शादी जिससे होनी थी उसे तो तुम्हारी हो नहीं पाएगी। चलो क्या कह रहे सिद्धार्थ, करनी नहीं है तो काय रखे साथ में। सुनो सुनो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड समझ में आ गया, ये हीमोग्लोबिन से अटैच होता है इसलिए पॉल्यूटेंट। चलो अब देखो, पूरे एयर पोल्यूशन का 50% पोल्यूशन किससे होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपसे पूछा जाएगा इस दुनिया में सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन कौन करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका ज्यादातर हिस्सा कहां से आता, व्हीकल्स वाहनों से, जितने भी कार बाइक स्कूटी है इन सबसे आता। तो ज्यादातर पूरे एयर पोल्यूशन का 50% कौन करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और 75% कहां से आता है, वाहन से, ऐसे अटैच हो जाता है ये हीमोग्लोबिन से। चलो अगला है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्वांटिटेटिव है, इससे पहले जो पढ़ा था वो क्वालिटेटिव, थोड़ी भी आएगी हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगी पॉल्यूशन है, इसकी मात्रा ज्यादा होने पर पॉल्यूटेंट है, ठीक है। ये पॉल्यूशन में क्या करता है, इसका जो मेन इफेक्ट है वो है ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नुकसानदायक है, क्योंकि ये क्या करती है, वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ये दिखाती है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस पता ही होगा, कनाडा, साइबेरिया, अलास्का, वहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि पेड़ ग्रो नहीं कर पाते। अगर तुम तो वहाँ एक गमला रख दोगे तो पेड़ ग्रो नहीं कर पाएगा। ये लोग क्या करते हैं, कांच का घर बनाते हैं और कांच के घर में फिर एक गमला रख देते हैं और उस पर फिर पेड़ ग्रो करते हैं, तो उस पर बन जाता है फूल। वाक्य पेंटिंग है। अब देखो सुनो, तो अब क्या होता है, ये कांच क्या करता है, जितनी हाई एनर्जी वाली रेडिएशन है उसको रख लेता है। जब सूरज से आता है उसमें एनर्जी क्या होती है, हाई एनर्जी। ज़्यादा होगी तो वह ऐसे चलती हुई आएगी, एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ होगी छोटी छोटी, तो वेवलेंथ होगी स्मॉलर, लघु तरंग दैर्ध्य, स्मॉलर वेवलेंथ। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी एनर्जी उतनी तेजी से आएगी, तो वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब होता है दो जो शीर्ष से दिखते हैं ना इनके बीच की डिस्टेंस। तो जब ये जल्दी जल्दी आएगी तो इसकी वेवलेंथ होगी शॉर्टर, ये शॉर्टर वेवलेंथ की होगी आ गई। अब ये एनर्जी आई तो थोड़ी सी एनर्जी इसने रखी होगी फोटोसिंथेसिस के लिए, थोड़ी सी एनर्जी इस कांच के घर ने रखी होगी गर्म होने के लिए। तो अगर इसके पास 100 एनर्जी आई तो 20-30 खर्च हो गई, तो जब ये लौटने वाली होगी तो इसके पास 60-70 ही बचेगी। और इतनी कम एनर्जी होती कि कांच के घर को पार नहीं कर पाती, ये बची हुई 60-70 भी यही रह जाती है। तो जब कांच के घर में आई तो एनर्जी ज़्यादा थी,
अब इस सन का थोड़ा सा हिस्सा इसने फोटोसिंथेसिस में खर्च कर दिया, तो 100 में से 10 खर्च हो गया, बचा 90, उसमें से कुछ कांच ने रख लिया, बचा 80। अब ये 80 या 60 70 वाला जब लौट रहा होगा तो पार नहीं कर पाएगा, मतलब शॉर्टर वेवलेंथ तो आ सकता है पर लॉन्गर वेवलेंथ, दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाला लौट नहीं सकता। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा वेवलेंथ वाला आ सकता है, तो शॉर्टर वेवलेंथ, लघु तरंग दैर्ध्य वाली किरण कांच के घर में पार कर सकती है और आ सकती है। इसलिए आपकी कार गर्म क्यों होती है कि कार के जो ग्लास होते हैं उससे शॉर्टर वेवलेंथ लघु तरंग दैर्ध्य आ सकती है। शॉर्टर वेवलेंथ या लघु तरंग दैर्ध्य का मतलब एनर्जी उसमें ज्यादा है, पर उसकी एनर्जी वहां खर्च हो जाती है, क्योंकि जब हीट आएगी तो गर्म गर्म भी होगी, तो गर्मी होने में हीट कुछ एनर्जी खर्च, जब जाएगी तो एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम मतलब वेवलेंथ लंबी, लॉन्गर वेवलेंथ वाली नहीं जा सकती, और इस वजह से पूरी हीट रुक जाती है, पूरी की पूरी रुक जाती है, इसलिए इसको गर्मी मिली रहती है। अब ऐसा तुमने कांच का घर बनाया जिससे तुम ग्रीनरी उगा सकते हो, इसलिए इसे बोलते हैं ग्रीन हाउस। बना वो कांच का घर है पर वो ग्रीनरी के लिए बना, इसलिए इसे हिंदी में बोलते हैं हरित ग्रह, ऐसा घर जो हरियाली के लिए है, ये कांच के ही बनते हैं, समझ में आ गया। तो ये क्या करता है कि अपने अंदर से हीट जाने तो देता है पर वापस लौटने नहीं देता। अब ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड करता है, कैसा कांच का कलर अलग है, कांच बिल्कुल गर्म हो जाए सफेद हो जाएगा, नीले के बाद सफेद, वो फिजिक्स में पढ़ेंगे हीट वाले चैप्टर में। यहां देखो सुनो, ये मान लो ये सूरज की रोशनी आई और ये तुम्हारी एक लेयर बन गई कार्बन डाइऑक्साइड की, कैसे बनी, तुमने इतना पोल्यूशन किया फैक्ट्री वाहन वाहन से कि पूरे धरती के चारों तरफ किसकी लेयर बन गई, CO2 की। ये CO2 की जो लहर ये सन से शॉर्टर वेवलेंथ को आने देगी, बताया था, जो ज्यादा एनर्जी वाली है वो तो इस लेयर को पार कर जाएगी, पार कर जाएगी तो यहां पर धरती पे जितने पेड़ हैं वो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, जितनी चट्टानें हैं वो गर्म हो लेंगी, पानी में वेपराइजेशन हो जाएगा, मतलब इस हीट का बहुत सारा हिस्सा यूज हो गया। जब ये लौटना चाहेगा तो अगर CO2 नहीं होती तो ये लौट जाता, ये लौटना चाहेगा पर ये नहीं लौट पाएगा क्योंकि CO2 की लेयर इसको रोक लेगी, ये रोकना बहुत अच्छा है। अगर CO2 नहीं होती तो ये पूरी की पूरी हीट निकल जाती और धरती का टेम्परेचर होता -18। अगर चारों तरफ CO2 की लेयर नहीं होती और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो दिन में होता 30-40-50 और रात में कितना हो जाता, और हम जिंदा नहीं रह सकते। दिन में 30-35, रात को -18, हमारी बॉडी इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं हो पाती और धरती पे लाइफ नहीं होती। इसका मतलब CO2 का ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। फिर नुकसान क्यों, नुकसान ये है कि ये जो लेयर है बहुत मोटी हो गई है और इसने इसको जितनी हीट रखनी थी उससे ज्यादा हीट रखने लगी है और ये धरती अब होने लगी है गर्म, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से पूरे धरती में ग्लोबल वार्मिंग होने लगी है। समझ में आ गई, कि मुझे याद है बचपन में जब नवदुर्गा रहते थे तो शाम को जब आरती में जाते थे मम्मी हाफ स्वेटर जरूर पहनाती थी, मुझे इतना याद है 10-15 साल पहले नवदुर्गा आते आते हल्की सर्दी शाम को पड़ती थी। अब पूरा नवंबर निकल जाता है, अक्टूबर छोड़ो नवंबर निकल जाता है, दिसंबर के बाद स्वेटर निकलना शुरू होते हैं और फुल स्वेटर जनवरी में जाके निकलते हैं। अगर पहले का याद हो, पहले बारिश देखी है, रात रात भर बारिश होती थी, स्कूल टाइम पे बंद होती थी, बहुत गुस्सा आती थी, रात भर बारिश होती थी, हम बिना होमवर्क के सो जाते थे क्योंकि उम्मीद पे दुनिया टिकी होती थी, हम कहते थे रात भर से बारिश हो रही है, तो सुबह और 7 बजे स्कूल, 6:45 पे बारिश पूरी तरह से बंद, भगवान को भी पता है बच्चों के स्कूल आ गए। ऐसा कई बार हुआ होगा, ऐसे भी दिन याद होंगे 3 दिन से बारिश बंद नहीं हुई, ऐसे भी दिन थे कि 3-3, 4-4 दिन कपड़े नहीं डलते थे क्योंकि बारिश बंद नहीं होती, भले ही बूंदाबांदी होती थी। अब क्या होता, बहुत तेज बारिश होगी और 15 दिन तक कोई बारिश नहीं होगी। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से फर्क पड़ रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नुकसान है, CO क्यों नुकसान है, देख लिया, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाती है और ऑक्सीजन को अटैच नहीं होने देती है। ये क्यों नुकसानदायक है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाती है, ऐसा नहीं अभी से नहीं, जब से धरती बनी है तब से दिखा रही है, लेकिन अब ये क्या है, ये लेयर बढ़ गई है कि पहले CO2 नॉर्मल थी, 0.0 थी, पर अब तुम गाड़ियां चला रहे हो, फैक्ट्री चला रहे हो, बिजली बना रहे हो, हर जगह से CO2 निकल रही है और धरती के ऊपर एक लेयर बना रही है।
और इस लेयर की वजह से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट था वो बढ़ गया, और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से धरती गर्म होने लगी, जिसे क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये पॉलीटेंट क्यों है, क्योंकि ये करता है ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट के थ्रू। ये देखो किरण आएगी ऊपर, वापस लौटेगी नहीं, ऐसे आएगी और रुक जाएगी। नॉर्मली एनर्जी आना चाहिए था और चला जाना था, पर ये जा नहीं देगा। ये कह रहा तू है मेरी किरण, जाने ही नहीं देगी। कैसा हैवी गैस, मतलब वेट बहुत ज्यादा, किसको? अच्छा CO2 गैस ऊपर क्यों रहती है ये कह रहे हो? तो पूरी ये लेयर ही है CO2 की, लेयर है ये पूरी लेयर है, चारों तरफ जो कवरिंग है CO2 की वो जाने नहीं दे रही। वो केवल CO2 नहीं है, या मीथेन है, नाइट्रस, केवल एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, 6, 7, 8 वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस है। तो केवल CO2 को मत मानो, बहुत सारी मानो जिसमें से एक CO2 है। अगला पॉल्यूटेंट कौन है? मीथेन। तो पहला हमने CO देख लिया, वो क्वालिटेटिव है, फिर CO देख लिया, ग्रीन हाउस गैस जरूरी है पर उसकी क्वांटिटी बढ़ गई है इसलिए नुकसानदायक है। वैसे तो वो फायदा ही है ना, अगर CO2 नहीं होती तो हम जिंदा भी नहीं होते, क्योंकि वो -18 हो जाता है हर रात। यस बोलता बहुत दिक्कत होती है, यस का बहुत टेंशन में आ गया था आज ही, वो CO2 की लेयर ले जाता है लगाते। चलो अगला है मीथेन, मीथेन CH4। मीथेन सबसे पहले इसका सोर्स से क्वेश्चन पूछता है, जितने दुनिया में दलदल है वेट लैंड से सबसे मीथेन निकलती है, जितने जगह धान की खेती होती है, कि धान की खेती में पानी भर के रखना पड़ता है, पैडी फील्ड जितने होते हैं ना उन सब में मीथेन निकलती है, उसमें पानी भर के रखते हैं, तो दलदल जैसा ही होता है 2-3 महीने। इसके अलावा जितने जुगाली करने वाले जानवर हैं दुनिया में, सबसे ज़्यादा जानवर इंडिया में है ना, वैसे ही करोड़ों जानवर है, ऊपर से मास्टर और क्लास में कहता तुम सब जानवर हो तो 150 करोड़ और बढ़ जाते थे है ना, और एक आध को वो जानवर बना देता था, कभी मुर्गा बना देता था, तो वो बोलता नहीं था, मास्टर इतना खतरनाक था वो बना भी देता था जानवर ऐसे ही थे। अरे कई बार उसने रिस्की मुर्गा बनाया है, टेबल पे बनाया है, अगर बैलेंस बिगड़ा, क्योंकि मुर्गा बनने के बाद पैर कांपते ही थे, तो बोले अच्छा बहुत कांप रहे, बोले इसको सबसे ऊंची वाली टेबल पे बनाओ, और एक ऐसी टेबल पे बनाता था कि पैर थोड़ा कांपे पलट जाता था और हम गिर जाते थे, और मम्मी पापा के पास अगर बताएंगे आज मारा तो मम्मी पापा खुद ले जाते थे, बोले हड्डी हड्डी तोड़ देना, वो ऐसे हाँ हड्डी खाल खाल तुम्हारी हड्डी नहीं, ऐसा कुछ बोलते थे, मतलब वो और मोटिवेट करते थे, वो कहते थे घर में शैतान हो गया सर, आप मारते नहीं हो, मास्टर को वैसे ही मौका चाहिए, अगर आपने घर में उधम किया तो शिकायत स्कूल में होती थी और उसको जिम्मेदारी देती थी, दी जाती थी कि तुम सुधारो, इसलिए मैड में नहीं रखते थे, 10वीं 11वीं क्लास में मैड में नहीं रखते थे, वो कितनी उन्हें दमाई कितनी है, सर वगैरह रखते थे, और एक सर थे यादव सर, वो पेट पकड़ के उठा देते थे, और मुझसे 2-3 साल जूनियर था एक दीपक, इतना मोटा था, उसको कोशिश की थी, मैंने कहा सर पेट बाहर आ जाएगा उठेगा नहीं, उसको उठाने की कोशिश की, सबको ऐसे उठा देते थे, उसको नहीं उठा पाए थे, वो खिंचता चला ये सब हुआ कि नहीं, पेन फंसाना, उल्टे हाथ में डंडा मारना, चलो अब सुन, पहले सैलरी कम मिलती थी, बाकी कंपनसेट वो पिटाई करके कर लेते थे, चलो कल होगी इसके बाद क्लास है, थैंक यू।